नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरुदेव शर्मा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दो दिन के लिए इस रेमेडी को रखने के लिए बोला था, तो जिन्होंने भी रूटीन मतलब स्टार्ट करना शुरू किया है, मैं यहाँ पर उनके भी आगे वीडियो में पूरा नाम मेंशन करते चलूंगी, जिन्होंने भी कमेंट किए थे कि दी हम करना चाहते हैं। तो आप लोगों के सामने प्रूफ रहेगा कि मतलब कितने लोग कर रहे हैं, और फिर उनका रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को भी याद रहेगा कि कितने लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दो दिन हो चुका है, और दो दिन के बाद में ये ऐसा हो चुका है। किसी किसी के ये ब्लैक ब्लैक भी हो गया होगा ये, तो इसकी कोई बात नहीं है, इसको हम अलग से निकाल के मतलब रख देंगे, इसको फेंक देना है आपको। अगर किसी के ये हो जाता ना ब्लैक ब्लैक सा ऊपर से, तो इसको आपको निकाल के फेंक देना है। और ये हमारा शैम्पू और हेयर प्रोटीन, अभी आपका जो काम है वो शैम्पू और हेयर प्रोटीन से है, तो मैं पहले वो बता रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से जो ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है इसको हटा देना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये खराब हो चुका है, क्योंकि हम ढक के रखते हैं तो ये पड़ता ही है, ठीक है। और हाँ, आपके पास कोई भी पाउडर उपलब्ध है आप लोग ले सकते हो, ग्रीन टी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर जो चीज आपके पास उपलब्ध है वो तो आप लीजिए। तो इसको हमें अभी छानना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि ये शैम्पू है आपका, ठीक है। क्या है? शैम्पू है, सॉरी। ये क्या है? आपका शैम्पू है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो ये आप लोगों के लिए शैम्पू है, ठीक है। शैम्पू में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये पानी है इसमें आपको शैम्पू मिक्स करना है, ठीक है। धोने के टाइम पे आपको इसे धोना है, ओके। ऑयलिंग लगे हुए बालों को आप लोग इसे धो सकते हो, बिना ऑयलिंग लगे हुए आप लोग ऑयलिंग लगे हुए बालों में भी इसको धो सकते हो, और बिना ऑयलिंग वाले बालों में भी इससे धो सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हेयर प्रोटीन के लिए। हमारा शैम्पू के लिए ऐसे पानी निकाल के आपको रख लेना है, ठीक है। ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके आप लोग रखना चाहते हैं तो फ्रीज में रख सकते हैं, पर आपको फ्रीज में अगर आप लोग रखते हैं तो आपको पहले फ्रीज में से निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है, लगाने से दो घंटे पहले, ठीक है। अब आते हैं हम हेयर प्रोटीन के लिए। हेयर प्रोटीन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके पास में होममेड ऑयल उपलब्ध है वो आप लोग इसमें 1 से 1.5-2 चम्मच डालिए, ठीक है। जैसे मेरे पास में ये वाला होममेड ऑयल है तो मैं यही डालूंगी, और यही से कम हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। और ये हेयर प्रोटीन बिल्कुल अलग तरीके से लगाना है, और किस तरीके से इसका करना है हमें वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे पैक का है हमारा, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कब हमें पैक लगाना है और कब हमें हेयर प्रोटीन लगाना है, ठीक है। इससे अभी इतना ही काम है, इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ, क्योंकि पैक का भी हमें काम नहीं है। अभी हमें होममेड शैम्पू हमारा और होममेड हेयर प्रोटीन इसका काम है, ठीक है। अब इसे अच्छे से हमें बोतल में भर लेना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पहले का भरा हुआ रखा है, मैं लगा रही थी आप लोगों को बताने से पहले, इतना सा रखा हुआ है, तो इसी में ही मैं दोबारा से इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। Thank you.
अगर ये वाली स्प्रे की बोतल काम नहीं करती है इस हेयर प्रोटीन में, तो आप लोग दूसरी जो बड़ी वाली छेदे वाली आती है वो आप लोग ले सकते हो। ओके, फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको लगाना कैसे वो आप लोगों के लिए आगे मैं बताती हूँ, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए वीडियो में। ओके, इस हेयर प्रोटीन को लगाने से पहले आपको अच्छे से अपना जो होममेड शैम्पू है इसी का, उससे आपको हेयर वॉश कर लेना है, ठीक है। हेयर वॉश करने के बाद में आपको हेयर प्रोटीन को अच्छे से पूरी जड़ों में, ठीक है, पूरी लेंथ में भी आप लोग लगा सकते हो इसको, अच्छे से आपको पूरे बालों में लगाना है, ठीक है। एक भी बाल आपको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके उतना आप लोग अच्छे से इसको लगाना, ठीक है। अगर आप लेंथ में कम भी लगा सकते हो, पर स्कैल्प में जितना उतना अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है, और लेंथ में भी लगाना है पर लेंथ में थोड़ा कम लगा सकते हो, ठीक है। और इसको लगाने के बीच में जैसे आपने सर धोया है तो सर को आप लोग पहले 1 से 2 घंटे के लिए सूखने दीजिए अच्छे से उसे, ठीक है। सूखने के बाद में आपका जब बाल सूख जाता है तब आप इस हेयर प्रोटीन को लगाएं, और 2 घंटे के लिए अपने बालों में अच्छे से रखिए, ठीक है। ध्यान रखना है आपको पहले हेयर वॉश कर लेना है, और आपको हेयर वॉश इसी होममेड शैम्पू से करना है, कोई अदरवाइज शैम्पू से नहीं करना। हाँ, इसमें आप लोग मिक्स करना चाहते हैं जो भी शैम्पू आपको सूट करता है वो आप लोग इसमें मिक्स कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मेरा समझाना जितना बनता है मैं उतना आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका जब अच्छे से लग जाता है पूरे बालों में तो आपको जूड़ा बना लेना है, और जूड़ा बना करके आपको इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद में जैसे ही आपका ये प्रॉपर तरीके से सूख जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, तो आपको कॉम नहीं करनी है, आपको बालों में कंघी नहीं करनी है, और आपको इसे शैम्पू से भी हेयर वॉश नहीं करना है, केवल आपको पानी से इसे धोना है। सिर्फ ओनली पानी से धो करके अच्छे से पानी आप बाल्टी में डिप करिए या कोई मतलब टब वगैरह है उसमें अपने बालों को अच्छे से डुबोइए, 2-3 बार अच्छे से डुबोइए, और अच्छे से मतलब जैसे आप मतलब शैम्पू से हेयर वॉश करते हैं वैसे ही आपको मतलब पानी से साफ करना है अपने बालों को, पर शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और आपको अच्छे से इसे साफ करके फिर जैसे ही आपका बाल साफ हो जाता है आप अच्छे से जूड़ा बनाइए, टॉवल से लपेटिए बालों को, और फिर सूखने दीजिए। और सूखने के बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ऑयलिंग करनी चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे बीच में जी आ गए थे आप लोगों को तो ऐसे ही, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मतलब टॉवल से लपेटने के बाद में जब आप अपने बालों को खोलते हैं तो अगर आपको लगता है अपने आपके बालों में जितनी आपको ऑयलिंग चाहिए उतनी अगर ऑयलिंग है तो आप लोग ऑयल मत कीजिए, ठीक है। आपको ऑयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हाँ, जिनको अगर लगता है कि ऑयल लगाना ज़रूरी है तो वो ऑयल लगाइए, और 1 से 2 दिन के लिए ऑयल को रखिए, और फिर हमारा जो होममेड शैम्पू है उससे आप लोग शैम्पू कीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस में अभी पैक की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें काम है उतना ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ओके,